नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगंदर के बारे में, जानेंगे भगंदर होने के पीछे क्या कारण है, भगंदर के क्या लक्षण हैं और भगंदर को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगंदर जिसको पिस्टुला भी कहा जाता है, यह आयुर्वेद के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। यह बहुत ही पीड़ादायक बीमारी है। भगंदर जब भी होता है तो लेटरिन करते वक्त बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। इसकी वजह से लोग ठीक से वुड बेड भी नहीं पाते हैं। और अगर भगंदर का जल्दी से इलाज ना कराया जाए तो यह जानलेवा भी साबित होता है। भगंदर होने के अगर मुख्य कारणों की हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा और मुख्य कारण है लंबे समय से कब्ज रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना। अगर पेट ठीक से साफ नहीं होता है, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो आगे जाके पाइल्स, फिशर, भगंदर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो ही जाती है। इसके अलावा जिनको भी देर रात तक जागने की आदत है, जल्दी सोते नहीं है, उनको भी ये समस्या हो जाती है। जिनको खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, अपच की समस्या है, उनको भी फिस्टुला की, भगंदर की समस्या हो जाती है। इसके अलावा जो बहुत आलसी है, बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, हद से ज़्यादा आराम करते हैं, बहुत ज़्यादा भोग विलास करते हैं, उनको भी इस प्रकार की समस्या हो जाती है। जिनका आहार ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तली भुनी मिर्च मसाले वाली तीखी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, उनको भी ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा महिलाओं में गर्भ के दबाव के कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये थे कुछ मुख्य कारण भगंदर होने के पीछे के। भगंदर के लक्षणों की अगर हम बात करेंगे, भगंदर के सिम्टम की अगर हम बात करेंगे, तो उठते बैठते या कुछ भी मूवमेंट करेंगे तो बहुत ही पेनफुल मूवमेंट हो जाती है, बहुत दर्द होता है। गुदा के आसपास के एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इसके अलावा वहाँ से दुर्गंध युक्त पस निकलती है, खून निकलता है, लैट्रिन करते वक्त बहुत ही दर्द होता है, बहुत पेनफुल होता है। इसलिए जिनको भी भगंदर है वो डरते हैं, लेटरिन आ गई तो डरते हैं लेटरिन जाने के लिए, बहुत ही पेनफुल रहता है, खून निकलता रहता है, पस निकलती रहती है। ये जो लक्षण है ये सारे लक्षण भगंदर के हैं। भगंदर के हम उपचार की बात करेंगे तो पीपल जो होता है, पीपल के अंदर की छाल को निकाल कर इसको गुलाब जल के साथ अगर पीस कर इसका लेप लगाते हैं तो भगंदर में काफ़ी लाभ मिलता है। जिनको भी भगंदर की प्रॉब्लम है, पिस्टुला की प्रॉब्लम है, वे लोग क्या करें, नीम के पंचांग 6 ग्राम की मात्रा में इसका रोज सेवन करना है। और साथ ही साथ नीम का तेल आता है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। नीम के तेल में क्या करना है, या तो आप रुई लेकर उसको डुबो दीजिए नीम के तेल में, और वो रुई जो है वो भगंदर वाली जगह पर थोड़ा सा अंदर के साइड पे लगा दीजिए, या आप ऐसे उंगली से भी नीम का तेल अगर ऊपर से लगा देते हैं तब भी आपके भगंदर में काफ़ी लाभ मिलता है। भगंदर की समस्या में लाजवंती जो होती है, जिसको छुई मुई भी कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप उस पत्ते को छुएंगे ना तो वो आप ऐसे सिकुड़ से जाते हैं, तो इसलिए इसको लाजवंती कहा जाता है। तो क्या करना है, इसका जो लाजवंती के जो पत्ते होते हैं वो गाय के दूध के साथ इसका सेवन करना है आपको दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। अगर ऐसा करते हैं तो भगंदर में काफ़ी लाभ मिलता है। अगर आपको भगंदर की समस्या है तो गोरख मुंडी का चूर्ण लेना है, और इस चूर्ण को आपको लेना कैसे है, बासी पानी के साथ इस चूर्ण का अगर सेवन करते हैं तो भगंदर नष्ट हो जाता है। गुलर का दूध जो निकलता है, उस दूध में रुई डुबोकर उस रुई को अगर भगंदर वाले एरिया पे रखते हैं, अंदर के साइड में रखते हैं, तो भगंदर की समस्या ठीक हो जाती है। बरगद के पत्ते, पुरानी ईंट का चूर्ण, सौंठ, गिलोय और पुनर्नवा, इन सबको समान मात्रा में लेकर पानी के साथ पीस कर इसका लेप बनाकर भगंदर के ऊपर लगाते हैं तो भगंदर नष्ट हो जाता है। भगंदर, पिस्टोला, पाइल्स की समस्या में, फिशर की समस्या में आपको क्या करना है, एक पका हुआ केला लेना है, उसमें से चीरा लगा दीजिए, और उसके अंदर मान लीजिए चने के बराबर का जो कपूर है उसको अंदर डाल के रखिए, या थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में भी चल जाएगा, उसको रात को डालकर उसको वैसे रहने दीजिए और अगले दिन उसको आपको खाइए, या
एक दो घंटे रखकर भी फिर उसको खा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो पिस्तुला में काफी लाभ मिलता है। बगंदर की समस्या में आँख जिसको मदार कहते हैं उसका 10 ग्राम दूध लेना है और 2 ग्राम दारू हल्दी लेनी है और इसका लेप बनाना है। इस लेप को बगंदर के ऊपर लगाना है तो बगंदर की समस्या ठीक हो जाती है। बगंदर की समस्या में आप त्रिफला चूर्ण का सेवन जरूर कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। बगंदर की समस्या में त्रिफला चूर्ण आपको 2 वक्त लेना है और कैसे लेना है, जब आप सुबह के टाइम में लेंगे तो त्रिफला चूर्ण के हल्का सा गुड़ उसमें मिला लीजिए त्रिफला चूर्ण में और उसकी एक गोली बना लीजिए और फिर उसको खाइए। और जब आप त्रिफला चूर्ण को रात के समय में लेंगे तो सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में त्रिफला चूर्ण लेना है, ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी के सो जाना है। इस प्रकार से त्रिफला चूर्ण लेते हैं तो बगंदर में बहुत फायदा मिलता है। बगंदर की समस्या में काले तिल भी बहुत ही उपयोगी होते हैं। आपको क्या करना है, 2 चम्मच काले तिल को रात को पानी में भिगो के रखना है, अगले दिन सुबह उस तिल को बारीक चबाकर खाना है, उस पानी को भी पीना है। अगर ऐसा करते हैं तो बगंदर की समस्या में आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, यदि कुछ जानकारी बगंदर की समस्या किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं, क्या है उसके कारण, क्या है उसके लक्षण, इन सब के बारे में इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।